आपका नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट में हम बात करें अनुष्का शर्मा को लेकर। बता दें कि अनुष्का शर्मा को देखकर ऐसा लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ चुकी है। जी हाँ, 2018 के बाद वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई और अब उनकी बेटी वामिका का चेहरा भी वायरल हो चुका है और इतनी क्यूट है ये तो हम सब अच्छे से जानते ही है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं और फैंस के मन में और शायद आप लोगों के मन में भी ये सवाल जरूर होगा कि क्या अनुष्का शर्मा कम बैक कर रही है अब बॉलीवुड में या फिर नहीं। लेकिन इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले बता देते हैं कि अनुष्का शर्मा की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों में काम करने को छोड़कर यहाँ पर अनुष्का शर्मा ने काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर वो पेंटिंग करती हुई नजर आ रही है। पेंटिंग में उन्होंने अपनी बेटी की स्माइल और साथ ही अपने हस्बैंड यानी कि विराट कोहली के लिए एक दिल बनाया है। जी हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि किस तरीके से वो अपने प्यार को दिखाती हुई नजर आ रही है। साथ ही बता देती कि एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर ये फनी वीडियो को शेयर किया है जिसमें वह अपना पेंटिंग का टैलेंट दिखाती हुई नजर आ रही है। अनुष्का की इस पेंटिंग में बेटी वामिका और पति विराट कोहली ठाके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अनुष्का ने इस वीडियो को पोस्ट लिखा कि जब आपसे कोई पेंटिंग करने को कहता है तो आप मास्टरपीस बना देते हैं। वैसे तो हमने ये चीज़ देखी है कि जब कोई कहता है तो उस टाइम हल्का फुल्का मास्टरपीस बन ही जाता है, लेकिन जब कोई नहीं कहता है तो बहुत अच्छी ड्राइंग बन जाती है और शायद ये चीज़ आप लोगों के साथ भी होती होगी। इसके साथ साथ ये बता देते हैं कि भाई नीति मोहन समेत कई सेलेब्स ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन अगर वर्क फ्रेंड की बात कर ली जाए अनुष्का शर्मा की, तो वो जल्द ही एक मूवी में दिखने वाली है जिसका नाम है चकदा एक्सप्रेस। उसमें वो एक लेडीज क्रिकेटर का रोल निभाने वाली है और क्रिकेट की लगातार प्रैक्टिस करती हुई भी नजर आ रही है और इस बात को लेकर विराट कोहली काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। जिसका वो किरदार निभाएगी उनका नाम है फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी। से प्रेरित होकर उन्होंने इस फिल्म को करने की सोची है और ढंग ये फिल्म वो कर भी रही है। इसके साथ साथ बता दें कि अब ये फिल्म आएगी और उसके बाद वापस से बॉलीवुड में कमबैक भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर कितनी एक्साइटमेंट है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट टाइम।